नमस्कार दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष जड़ी बूटियों की नगरी माना जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मौजूद हैं। दोस्तों, ज्यों ही वर्षा काल आता है त्यों ही अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ, अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। दोस्तों, जानकारी के अभाव में हम इन वनस्पतियों और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, लाभ नहीं ले पाते हैं। अगर आपको सही जानकारी है तो इनका प्रयोग करके अनेक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी दिखा रहे हैं, इसे देख लीजिए और अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए। दोस्तों, इसका नाम है कंचट। इसे कोस पुष्पी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अनेक भाषाओं में, अनेक जगहों पे अनेक नामों से पुकारा जाता है। आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, इस कंचट का प्रयोग करके आप किन किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, इसका प्रयोग आपको कैसा करना रहेगा, हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वीडियो और जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों, इस कंचट यानी कोस पुष्पी के पौधे का ऊंचाई जो होता है 60 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होता है। दोस्तों, यह वर्षा काल में ज़्यादा उगती है और सड़कों के किनारे पर, नमी वाले स्थान पर, मैदानी इलाकों में अक्सर देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, देहातों में इसे लोग सब्जी बना करके भी खाते हैं। आदिवासी लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, औषधि के रूप में भी और सब्जी के साग के रूप में भी। दोस्तों, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व तथा औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो आपके सेहत को ठीक रखते हैं। दोस्तों, इस कंचट का प्रयोग करके आप दाद, खाज, खुजली से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से गैस, कब्ज तथा एसिडिटी से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इस कोस पुष्पी के प्रयोग से आप बवासीर से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके किसी अंग में घाव हो गया है और घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों, तो आप इस कंचट का प्रयोग करके अपने घाव को बहुत ही जल्द ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं क्रमवार कि किस बीमारी में आप इसका उपयोग यानी प्रयोग कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर आपको किसी अंग में घाव हो गया है, गहरा घाव हो गया है और घाव ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप क्या करें। दोस्तों, ये कोस पुष्पी की जो पत्तियां होती हैं एंटीसेप्टिक का काम करती हैं, तो इन पत्तियों को आप धो करके सिलबट्टे पर अच्छे से पीस करके इसका पेस्ट बना लें और घाव वाले स्थान पर लगातार 5 दिन तक लगाएं। 5 दिन मात्र इसका सेवन यानी लेप लगाने से आपका घाव बहुत ही जल्द भर जाएगा। अगर आपको फोड़ा फुंसी हुआ है तो वहाँ पर भी इसे लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो बवासीर से बहुत सारे लोग परेशान हैं और बवासीर को लोग छिपाते भी हैं, बताने से शर्माते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, कोई भी बीमारी बताने से ही ठीक होती है, शर्माने से नहीं ठीक होती है। अगर आप बवासीर से ज़्यादा परेशान हैं तो क्या करें, आप इस कंचट के पत्तों को पीस करके इसका पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट को अपने बवासीर के मसों पर लगाएं। इससे बहुत ही जल्द आपको बवासीर से मुक्ति मिलेगी और आपको बवासीर के दर्द से भी छुटकारा मिलेगा। अगर आपको खूनी बवासीर है तो क्या करें, आप इस कंचट के पत्तियों का रस निकालें, 50 ml, 1 गिलास छाछ और 2 पीस काली मिर्च का पाउडर मिक्स करके कंटिन्यूअस सुबह और शाम सेवन करें। इससे आपका खूनी बवासीर जड़ से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि गैस, कब्ज, एसिडिटी जैसी भयंकर परेशानी से आप कैसे निजात पा सकते हैं। इसके लिए आप इसकी पत्तियों को पीस करके और इसका जूस निकाल लें। कम से कम 50 ml की मात्रा में इसका जूस लें। गुनगुने पानी में थोड़ा सा काला नमक मिक्स करके और इसका जूस मिला करके पिएं। कंटिन्यूअस सुबह शाम इसका सेवन करें। इससे आपको गैस, कब्ज तथा एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा और आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, क्योंकि दोस्तों, ये जो कोस पुष्पी का पौधा होता है बहुत ही ठंडी तासीर का होता है।
दोस्तों यह आंत के इन्फेक्शन को समाप्त करता है और आपके डाइजेशन क्रिया को ठीक रखता है। आइए जानते हैं कि अगर आप रिंग वार्म से परेशान हैं यानी दाद खाज खुजली से परेशान हैं तो आप क्या करें। दोस्तों यह दाद खाज खुजली को मिटाने की एक रामबाण औषधि मानी जाती है। गांव देहातों में अक्सर लोग इसका प्रयोग किया करते हैं। अगर आपको दाद खाज खुजली हो गया है तो इसकी पत्तियों को लाएं धो करके और सिलबट्टे पर पीस करके इसका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को आप लेप की तरह से अपनी दाद खाज खुजली वाले स्थान पर लगाएं। लगातार कम से कम एक सप्ताह इसका यूज करें। इससे आपका दाद खाज खुजली जड़ से समाप्त हो जाएगा और आपकी त्वचा सुंदर तथा मुलायम रहेगी। दोस्तों आज की जानकारी, आज की वीडियो अगर आपको लाभ पहुंचाती है, लाभकारी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारी वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई शुभकामना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार दोस्तों।